बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाइएगा। अब इसका तार गया और दरभंगा से भी जुड़ने जा रहा है। बिहार सिपाही का वह कौन कांस्टेबल है जिसके पास आंसर की आता है और अपने भाई को नौकरी लगाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए का रेट रखता है। ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उस सिपाही जब उसकी गिरफ्तारी होती है सिपाही का, तो सिपाही के गिरफ्तारी के बाद जो बड़ा खुलासा होता है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। जो सिपाही है कमलेश व नालंदा जिला का QRT यानी बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, उसका फ़ोन बरामद हुआ है। फ़ोन बरामद होने के बाद एक ऑडियो जाता है, ऑडियो में साफ तौर से बातचीत में सुना जाता है कि 7 से 8 लाख रुपए रेट रखा गया है और ठीक 7 दिन पहले उसके पास आंसर की आता है और उसका भाई जो है जो कंकरबाग स्थित द्वारका कॉलेज में जो परीक्षा दे रहा था उसके पास घंटों पहले ही आंसर की पहुंच जाता है। और वो पहचान किस तरीके से हो, जो 33 ऑब्जेक्टिव मार्क जो गोला करने के लिए होता है वह 33 ऑब्जेक्टिव मार्क ही गोला कर सके ताकि शिक्षकों को पता चल सके, या बड़ा स्कैम और बड़ा स्कैंडल जो निकल कर सामने आया है जिसे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को तो रद्द कर दिया लेकिन बिहार के तमाम जिलों में छापेमारी होती है, अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी होती है, मुन्ना भाई की गिरफ्तारी होती है, लेकिन पटना से जो गिरफ्तारी होती है वहीं से सारी चयन और प्रक्रिया और किस तरीके से संलिप्तता होती है वो तमाम खेल सामने निकल कर चली आती है। चयन पर्षद लगातार कहते रहते क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ पेयर की टीम ने उसकी तहकीकात की तो कंकरबाग से जो युवक गिरफ्तार होता है, 4 युवक, उसके पास क्वेश्चन यानी आंसर की पहले से ही बरामद कर लिया जाता है। और जिस तरीके से जो कमलेश है नालंदा में पदस्थापित है कांस्टेबल के पोस्ट पर, उनका भाई एग्जाम दे रहा था, अब इसका तार गया और दरभंगा से भी जुड़ता हुआ बताया जा रहा है। तस्वीर में आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अपराधियों की गिरफ्तारी होती है उसके बाद EOU टीम को सौंपा जाता है, यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जाता है। आर्थिक अपराध इकाई अपने जांच दायरे को आगे बढ़ाती है और बड़ा खुलासा निकल कर सामने आता है। इस बड़े खुलासे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो कमलेश है जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है वो भी फर्जी तरीके से बिहार पुलिस में नौकरी लिया। अब बारी थी अपनी भाई को नौकरी लगाने का तो उसी में वो फंस गया और ऐसा फंसा कि मोबाइल बरामद होने के बाद ऑडियो से लेकर जो रेट है वो तय किया गया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 8 से 10 लाख रुपए में नौकरी लगाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से एग्जामिनेशन को तो रद्द किया जाता है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार दबिश बनाती है और हड़कंप उस समय मचता है जब कंकरबाग से गिरफ्तारी होती है 4 युवक को। मनु नाम का युवक है, कमलेश नाम का जो गिरफ्तारी हुए वो है, और जो शागिर्द है वो उन लोगों की गिरफ्तारी होती है। और खेल होता है सेंटर माइनेज का, और सेंटर माइनेज का खेल होने के बाद जो षड्यंत्र रचा जाता है, जो खेल रचा जाता है, उस खेल में बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल भी मौजूद है और किस तरीके से अपने भाई को नौकरी लगाने के लिए आंसर की एक के पास गया से आती है तो दूसरे के पास दरभंगा से आती है आंसर की। अब गया और दरभंगा का तार जुड़ रहा है तो EOU की टीम लगातार छापेमारी में जुट गई है कि आखिर इसके पीछे किंग पिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। वो तमाम पहलुओं पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।